तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 20,800 लोग हैं। साथ ही साथ अगर मृतकों की संख्या की अगर बात की जाए तो 155 लोग पिछले 24 घंटे में मृत्यु हुई है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे रेमडेसिविर ड्रग लेने के लिए भारी मात्रा में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एक लंबी कतार में लोग यहाँ पे खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से रेमडेसिविर ड्रग को यहाँ पे गवर्नमेंट उनके दो काउंटर्स के जरिए दे रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनके जो दाम हैं गवर्नमेंट ने फिक्स किया है 1,500 रुपये करीब। और अगर बाहर ब्लैक मार्केट में कुछ लोग यहाँ पे बिक्री कर रहे हैं जो लगभग 20,000 तक जा रहा है। मगर लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा है कि ये एक सब्सिडाइज्ड रेट में, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट में यहाँ पे इनको ड्रग दिया जा रहा है। लगभग एक पेशेंट को 6 वायल ड्रग दिया जा रहा है। इनको बता दें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ते हैं, जैसे कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, सीटी स्कैन, उनका ऑक्सीजन लेवल, लेने वाले का आधार कार्ड, और जो पेशेंट एडमिट हुआ है उनका आधार कार्ड भी लाना अनिवार्य है। जब ये लोग आते हैं तो उनको एक लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता है, उनको टोकन दिया जाता है। कुछ लोग हम कहते हैं, कह सकते हैं कि देर रात यहाँ पे खड़े होकर इस वैक्सीन को लेने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि राज्य के अन्य अन्य ज़िलों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि सिर्फ तमिलनाडु के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस प्रकार की स्थिति है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेमडेसिविर ड्रग पेशेंट्स को दिया जा रहा है, मगर जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जिनके परिजन वहाँ पे एडमिट हो चुके हैं, उनके परिजनों के लिए जो ड्रग, अगर उनकी अवेलेबिलिटी वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है तो यहाँ पे इस काउंटर में आकर लेने की सुविधा यहाँ पे बनाई गई है। लगातार लोगों ने भी सरकार से ये मांगी है कि इनफैक्ट इस प्रकार के काउंटर्स को डिसेंट्रलाइज करके हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया जाए, मगर यहाँ पे अब तक सरकार ने इस पर विचार विमर्श करने का सोचा है। मगर अभी तक हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के दो ही काउंटर्स पूरे तमिलनाडु में अलाउड हैं जो रेमडेसिविर ड्रग को यहाँ पे दिया जा रहा है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे केसेस की संख्या दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तमिलनाडु में, खासकर चेन्नई में, पिछले 24 घंटे में 6,000 केसेस। चेंगलपट्टू में, जो चेन्नई का पास वाला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 1,500 केसेस। कोयम्बतूर में अगर देखा जाए तो 1,400 केसेस, और तिरुवन्नामलई में भी 1,050 केसेस दर्ज हुए हैं। और इसके ज़्यादा अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 500 केसेस के आसपास दर्ज हुए हैं। और साथ ही साथ अगर डिस्चार्ज रेट भी अगर देखा जाए तो डिस्चार्ज रेट ज़्यादा है। इनफैक्ट 20,000 अगर लोग संक्रमित हो रहे हैं तो सिर्फ 17,500 परसेंट ही डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो डिस्चार्ज रेट यहाँ पे थोड़ा कम होता नज़र आ रहा है। अगर आज के स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 1,20,444 केसेस एक्टिव केसेस हैं तमिलनाडु में। तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी स्थिति अब तक काबू में है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको एडिक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अभी तक अवेलेबल है, बेड दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक स्पेशल, गवर्नमेंट ने एक ट्विटर हैंडल भी जारी किया है, एक फ़ोन कॉल भी, नंबर भी जारी किया है 104, जहाँ पे लोग अगर बेड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन की सपोर्ट की अगर ज़रूरत है तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उनको तुरंत वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि कई सारे मेजर्स यहाँ पे सरकार ले रही है, मगर ये भी देखना ज़रूरी है कि रेस्ट्रिक्शंस अगर तमिलनाडु में ज़्यादा है तो यहाँ पे लोगों को भी यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दूरी बनाए रखना है, मास्क पहनना है, रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब देख सकते हैं कि तमिलनाडु में सरकार बदल चुकी है, डीएमके की सरकार आ चुकी है। आगे डीएमके की सरकार इस कोविड के पूरे सिचुएशन को किस तरह हैंडल करती है ये आगे चलकर देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ सारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई।